पर टेस्ट थी बहुत ही मज़ेदार, बाहर से क्रिस्पी और क्रंची, अंदर से जूसी और मसालेदार। जो इन्हें एक बार खाए वो अपना हाथ कभी ना रोक पाए। और पिज़्ज़ा, पास्ता, समोसा, बर्गर, सब कुछ बाहर का खाना भूल जाए और इन यूनिक और नए तरीके के समोसों को खाता जाए। इन्हें खाने पर आपको समोसों का फ्लेवर तो आएगा ही, साथ ही में पिज़्ज़ा, पास्ता और मैगी का फ्लेवर भी आएगा। वो कहते हैं ना, समोसा एक और फ्लेवर अनेक। आप इन समोसों को एक बार बनाकर एक हफ्ते से 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। और ये बहुत ही आसान रेसिपी से, बहुत ही कम समय में, किचन में मौजूद सामान से बहुत सारे तैयार हो जाते हैं, जिन्हें आप एक बार बनाएंगे और बार बार खाएंगे। जब चाय के साथ आपको समोसे खाने का मन करे या अचानक से मेहमान आ जाएं, तो ये समोसे निकालें और सर्व करें। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफी की रसोई में आप सबका वेलकम है। आज की वीडियो में हम 3 प्याली मैदा से ढेर सारे पोटैटो फ्लावर समोसा और पोटैटो रोल समोसा बनाने की बहुत ही आसान, यूनिक और न्यू रेसिपी लेकर आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले समोसा तैयार करने के लिए एक डो तैयार करेंगे। इस डो को तैयार करने के लिए हम 3 प्याली मैदा लेंगे और उसे छन्नी से अच्छी तरह से छान लेंगे। अब मैदा में 1 चम्मच भर के नमक डालेंगे और 1 चम्मच भर के हथेलियों से क्रश करके अजवाइन भी डालेंगे। अजवाइन से समोसों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मैदा में मोयन के लिए 6 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हाथों से मैदा में मिक्स कर लेंगे। जितनी अच्छी तरह से मोयन मैदा में मिक्स होगा, उतने ही अच्छे क्रिस्पी और कुरकुरे हमारे समोसे बनकर तैयार होंगे। मैदा में मोयन अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मुट्ठी में मैदा लेकर मैदे को जोड़कर देखेंगे। अगर इससे मैदा जुड़ता है यानी मुट्ठी बनती है, तो हमारे समोसों के लिए परफेक्ट मोयन तैयार हो चुका है और हमारे समोसे बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के बाद थोड़ा सा इस पर रिफाइंड ऑयल लगाएंगे और एक गीले कपड़े से इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके साइड पर रख देंगे। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। यहाँ हमने मीडियम साइज़ के 5 आलुओं को बॉईल करके इन्हें अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। सभी आलुओं को ग्रेटर से बहुत अच्छी तरह से ग्रेट करके एक स्मूथ स्टफिंग तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे इसमें कोई भी गुठली या लम्स ना रह पाए। आप इसे मेशर से भी मेश कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी आलू बहुत ही परफेक्ट तरीके से ग्रेट हो चुके हैं, इसमें कोई भी लम्स या गुठली नहीं है। समोसों की मसालेदार स्टफिंग तैयार करने के लिए इसमें 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया डालेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई साबुत लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स डालेंगे। आलुओं की बहुत ही मज़ेदार और चटपटी स्टफिंग तैयार करनी है, इसलिए 1 चम्मच इसमें गरम मसाला डालेंगे, 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। स्टफिंग में अच्छा फ्लेवर लाने के लिए 1 चम्मच कसूरी मेथी भी डालेंगे, 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच भर के इसमें नमक डालेंगे और 1 छोटी प्याली भर के इसमें कटा हुआ हरा धनिया भी डालेंगे। समोसों में स्टफिंग की बाइंडिंग के लिए 4 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो इसकी जगह चावल का आटा भी डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर और सभी मसालों को आलू की स्टफिंग में मिक्स करके एक टाइट और फाइन डो तैयार कर लेंगे। 15 मिनट बाद आटे को दोबारा हाथों से मैश करेंगे और इसे हम उंगली से प्रेस करके दिखाते हैं कि वापस उसी फॉर्म में आ रहा है, यानी ये परफेक्ट डो तैयार हो चुका है। अब इसे बाउल से निकाल कर काउंटर पर ले आएंगे और इस आटे को रोल करते हुए इसमें से 6 लोइयां कट कर लेंगे। आटे की कटी हुई 6 लोइयों से परफेक्ट और इक्वल साइज़ के 6 पेड़े तैयार कर लेंगे और इन्हें 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने इक्वल साइज़ के
और परफेक्ट 6 पेड़े तैयार कर लिए हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। अब एक चकला लेंगे, उस पर एक पेड़े को रखेंगे और उंगलियों से प्रेस करते हुए उसको दबाएंगे। फिर उसे बेलन से बेलकर एक रोटी का शेप दे देंगे। ध्यान रहे, यहाँ हमें इसे रोटी से भी पतला बेलना है। जितना पतला बेलेगा उतने ही अच्छे समोसे बनकर तैयार होंगे। अगर हम रोटी को मोटा बेलेंगे तो हमारे समोसे बाहर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए ध्यान रहे कि हमें रोटियों को पतला बेलना है और समोसों को बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनाकर तैयार करना है। यहाँ हमने 6 रोटियाँ बेलकर उन्हें फोल्ड करके रख दिया है। बेलकर तैयार की हुई रोटी पर चम्मच से आलू की स्टफिंग को प्रेस करेंगे और पूरी रोटी पर स्टफिंग लगा लेंगे। आलूओं की स्टफिंग में बिल्कुल भी पानी यानी मॉइस्चर नहीं है। ये बहुत ही आसानी से बहुत अच्छी तरीके से रोटी पर स्प्रेड हो गया है। अब दूसरी रोटी से इसे कवर करेंगे और थोड़ा रोटी को खींचते हुए नीचे वाली रोटी से ज्वाइन कर लेंगे और उंगलियों से इसे दबाते हुए इसको प्रेस करेंगे। चकला छोटा है और रोटियां बड़ी हैं, इसलिए हम रोटी को चकले से हटाकर काउंटर पर ले आए हैं और इसे बेलन से बेलकर दोनों रोटियों को अच्छी तरह से ज्वाइन कर लेंगे और इसे एक तेज नाइफ से लंबी लंबी पट्टियां कट करेंगे। ध्यान रहे, नाइफ शार्प होना चाहिए, मतलब तेज़ होनी चाहिए, इसलिए हम पिज़्ज़ा कटर से लंबी लंबे कट लगा रहे हैं। लंबे कट लगाने के बाद इन्हें स्क्वायर में कट करेंगे। इन कटे हुए स्क्वायर के पीसेस से हम एक बहुत ही यूनिक फ्लावर बनाकर तैयार करेंगे। ये फ्लावर देखने में जितना यूनिक होगा बनाने में उससे कहीं ज़्यादा आसान होगा और आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। इस फ्लावर को तैयार करने के लिए कटे हुए रोटी में से एक स्क्वायर को उठाएंगे और उसका एक कोना पकड़ के दूसरे कोने से ज्वाइन करेंगे और हल्के हाथों से इसे प्रेस कर देंगे। फिर तीसरा कोना पकड़ के चौथे कोने से उल्टी तरफ को इसको ज्वाइन करेंगे और इसे प्रेस करेंगे। तो देखिए ये कितना यूनिक और नए फ्लावर बनकर तैयार हो गया है और वो भी बहुत ही आसानी से। दूसरा फ्लावर भी इसी तरह से तैयार करेंगे। इस आसान तरीके से बचे हुए स्क्वायर से सभी फ्लावर अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। इन फ्लावर को तैयार करने के बाद जो कॉर्नर बचेंगे उन्हें वेस्ट नहीं करेंगे। एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से ज्वाइन करके एक नई तरीके की पत्ती बना लेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने बचे हुए कॉर्नर से एक बहुत ही परफेक्ट पत्ती बनाकर तैयार कर ली है। पोटैटो फ्लावर समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब पोटैटो रोल समोसे बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए रोटी को सेम उसी तरह से बेलेंगे और उस पर आलूओं की स्टफिंग लगाएंगे और दूसरी रोटी से कवर करके बेलन से प्रेस करते हुए इसे आपस में ज्वाइन कर लेंगे और इस रोटी में पिज़्ज़ा कटर से ट्रायंगल शेप में कट लगाएंगे। पतले पतले ट्रायंगल शेप में रोटी में कट लगाते जाएंगे पिज़्ज़ा कटर से। रोटी में पिज़्ज़ा कटर से पतले पतले ट्रायंगल कट लग चुके हैं और ये पोटैटो रोल समोसा बनाने के लिए पट्टियां तैयार हो चुकी हैं। सभी ट्रायंगल पतली पतली पट्टियां कटकर तैयार हो चुकी हैं। अब कटी हुई पट्टियों में से एक रोटी में से एक पट्टी को खींचकर निकालेंगे और उसे हल्का सा खींचते हुए इसका रोल तैयार करेंगे और लास्ट में सिरे पर जाकर इस पे पानी लगाकर इसे ज्वाइन कर देंगे। पानी लगाकर रोल समोसे को चिपकाने से रोल समोसा फ्राई करते समय खुलेगा नहीं। ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से पोटैटो रोल समोसा बनकर तैयार हो चुका है। बाकी के सभी ट्रायंगल शेप की पट्टियों का भी इसी तरह से रोल करते हुए पोटैटो रोल समोसे तैयार कर लेंगे। यकीन करें आप इन्हें बनाकर बहुत खुश होने वाले हैं क्योंकि ये बनाने में जितने आसान हैं खाने में तो उससे कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त, मज़ेदार और टेस्टी हैं। आप इन्हें बनाकर स्टोर करके रख लें, जब आपका चाय के साथ समोसा खाने का मन करें इन्हें निकाल कर खाएं। ट्रायंगल शेप की कटी हुई पट्टियों से काफ़ी सारे पोटैटो रोल समोसे बनकर तैयार हो गए हैं और उधर पोटैटो फ्लावर समोसे भी बनकर तैयार हो चुके हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 3 प्याली मैदा से कितने सारे पोटैटो रोल समोसा और पोटैटो फ्लावर समोसे बनकर तैयार हुए हैं और बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहे हैं कि जैसे हमने इन्हें किसी सांचे से तैयार किया है, लेकिन हमने आपको स्क्रीन पर दिखाकर ही तैयार किया है। ये बहुत आसानी से तैयार हो गए हैं। आप इन समोसों को बिना फ्राई किए एक प्लास्टिक के कंटेनर में करके 1 हफ्ते से 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं
और जब आपका मन चाय के साथ समोसे खाने का करे या फिर आपके घर में मेहमान आए तो आप ये समोसे निकालें, फ्राई करें और सर्व करें और बार बार समोसे बनाने के झंझट से भी बचें। एक बार में बहुत सारे समोसे तैयार करके स्टोर करके रख लें। समोसों को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल लेंगे और गैस की हाई फ्लेम पर इस तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर पहली शिफ्ट में फ्लावर समोसा डालेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे। जैसे जैसे ये समोसे सिकते जाएंगे इनके अच्छा सा कलर आता जाएगा। अभी इसमें लाइट ब्राउन कलर आया है, अभी हमें थोड़ी देर और इन्हें फ्राई करना है। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट कलर, जैसा हम चाहते थे समोसों का कलर वैसा ही आया है और समोसे बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी और कुरकुरे फ्राई होकर तैयार हुए हैं। आ रहा है ना आप सबके मुंह में भी पानी। अब दूसरी शिफ्ट में समोसा रोल डालकर अच्छा कलर आने तक और क्रिस्पी और कुरकुरे होने तक इन समोसे रोल को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अभी इसमें लाइट कलर आया है, अभी हमें इन्हें और फ्राई करना है। समोसे रोल बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और इसमें एक बहुत ही परफेक्ट और बेहतरीन कलर आ चुका है। अब फ्राई हुए इन सभी समोसों को एक बड़े बाउल में निकाल कर हम आपको इनकी आवाज़ सुनाते हैं कि ये कितने क्रिस्पी और क्रंची फ्राई होकर तैयार हुए हैं। आपको आवाज़ आ रही है ना, देखिए हम फोक से क्रश करके दिखा रहे हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुए हैं और हम आपको इसे हाथ से भी प्रेस करके दिखाते हैं। ये जैसे जैसे ठंडे होंगे और भी क्रिस्पी हो जाएंगे। ये समोसे सुपर टेस्टी, क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। इन समोसों में पिज़्ज़ा, पास्ता और मैगी का फ्लेवर लाने के लिए एक पाउच पास्ते का मसाला का लेंगे और एक पाउच मैगी के मैजिक मसाले का लेंगे और इसमें पिज़्ज़ा का फ्लेवर लाने के लिए पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डालेंगे और इन्हें तीनों मसालों को चम्मच से अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमने तीन फ्लेवर वाला एक मैजिक मसाला तैयार कर लिया है। हम सभी समोसों को एक प्लेट में निकालते हैं और इनकी आवाज़ सुनाते हैं कि कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। इन सभी समोसों पर तैयार किया हुआ मैजिक मसाला स्प्रिंकल करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से समोसों में मिक्स करेंगे। इस मसाले को जितनी अच्छी तरह से समोसों में मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। यकीन करें ये समोसे बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। आप एक बार इन्हें बनाकर तो खाएं, आपके मज़े ही आ जाएंगे। चाय के साथ इन गर्म गर्म समोसों को टमाटो केचप और बनाए गए मसाले के साथ सर्व करें और इन्हें खाकर एंजॉय करें। और जो समोसे खाने के बाद बच जाएं उन्हें एक कांच के एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लें। जब आपका समोसे खाने का मन करे उन्हें निकालें और खाएं और बच्चों को लंच में दें या मेहमानों को सर्व करें। तो है ना बहुत ही आसान, मज़ेदार, न्यू, यूनिक किचन में मौजूद मसालों से बहुत ही आसानी से तैयार किए जाने वाली बिना तामझाम वाली एक परफेक्ट रेसिपी। इन समोसों को एक बार तैयार करके स्टोर करके रख लें और रोज़ाना इनको खाएं और समोसों का एंजॉय करें। इस आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ ये फ्लावर और रोल समोसा बनाकर खिलाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे और बड़े सभी बाहर के समोसे खाना भूल जाएंगे और आपके हाथ के बने ये फ्लावर और रोल समोसा खाने की फरमाइशें करेंगे। फॉलो करें हमारी इस आसान और मज़ेदार रेसिपी को और बनाएं ढेर सारे फ्लावर और रोल समोसे और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये समोसे कैसे लगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।